ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला कल कैनबरा में खेला जाएगा। मनुका ओवल मैदान पर जब भारत मैदान पर उतरेगा तब उसके सामने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अपनी पहली जीत दर्ज करने की चुनौती होगी। इसके साथ ही टीम विदेशी जमीन पर लगातार दूसरे क्लीन स्वीप से भी बचना चाहेगी। इससे पहले जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड दौरे पर भारत को कीवी टीम ने 3-0 से हराया था। इस सीरीज में भारतीय बॉलर्स स्ट्रगल करते नजर आए हैं और ऐसे में अगर भारत को जीत दर्ज करनी है और क्लीन स्वीप से बचना है तो बॉलर्स को लय में आना होगा। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह से भारतीय बॉलर्स पर हावी रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने पिछले दोनों वनडे में शतक जड़ा, वहीं कप्तान एरन फिंच ने पहले वनडे में शतक और दूसरे मुकाबले में 50 लगाए। चोट की वजह से सीरीज से बाहर होने वाले डेविड वार्नर ने भी दोनों मुकाबलों में 50 लगाई है। वहीं स्मिथ और फिंच के अलावा मार्नस लबुशाने और ग्लेन मैक्सवेल भी अच्छी फॉर्म में है। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो उन्हें शुरुआत तो मिली लेकिन वे उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ने पहले वनडे में 50 लगाए लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। इसके बाद दूसरे वनडे में कप्तान कोहली और उपकप्तान केएल राहुल ने 50 लगाए लेकिन बड़ा स्कोर नहीं बना सके और ऐसे में तीसरे वनडे में भारतीय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाकर टीम को जीत दिलानी होगी। टीम की गेंदबाजी भारत की हार का सबसे बड़ी वजह रही है। भारतीय बॉलर शुरुआती ओवर में विकेट नहीं ले पा रहे, यही नहीं भारतीय बॉलर्स को जमकर रन पड़ रहे हैं। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज गेंदबाज भी रन रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में अगर टीम को जीतना है तो बॉलर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी और कंगारू टीम के विकेट निकालने होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि चोट की वजह से वार्नर टीम का हिस्सा नहीं है, वहीं पैट कमिंस को टेस्ट सीरीज की तैयारी के मद्देनजर आराम दिया गया है। ऐसे में इन दोनों दिग्गजों के न होने से भारत के पास अच्छा मौका होगा। भारतीय बॉलर्स पिछले 5 मुकाबले से पावर प्ले के दौरान चले आ रहे विकेटों के सूखे को दूर कर सकते हैं और भारतीय बल्लेबाज कमिंस की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया पर अटैक भी कर सकते हैं। यानी कि टीम इंडिया को पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना होगा वरना क्लीन स्वीप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में देखना होगा कि कल होने वाले आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।